हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए पहले से, ऑफलाइन क्लासेस, या आपने हमारे नोट्स लिए हैं? तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, आपको नोट्स भी मिल गए होंगे, फिर आप ये प्रश्न उठता है कैसे पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, आपके नहीं सभी के साथ होती है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इन सभी समस्याओं का हम लोग कैसे निराकरण करें या कैसे कैसे नोट्स को पढ़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं पर्यावरण की नोट्स से कि पर्यावरण की नोट्स आपको कैसे पढ़नी है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या क्या, ये पर्यावरण की नोट्स है। इस नोट की खासियत क्या है, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न में बनाया गया है और एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 और 6, 7, 8, इसके साथ साथ अन्य सभी जितने भी बेहतर किताबों में से जो जो महत्वपूर्ण मैटर थे वो भी उठा के इसमें डाले गए हैं। और साथ ही साथ सभी शिक्षण विधियाँ वो डाली गई हैं, सभी शिक्षण वो डाले गए हैं जो परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है। इस नोट से क्या करना है, एक बार आप एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 अगर किताब आपके पास हो आसपास, उसे लेकर आप पढ़ लीजिएगा। अगर वो किताब नहीं मिल पाती है तो आप फिर मुझे मेरे टेलीग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे लेनिक बुद्रगेस या लेनिक बुद्रगेस से टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे ग्रुप में। वहाँ जुड़ने के बाद मैं आपको कक्षा 3, 4, 5 ईवीएस की किताबें आपको उपलब्ध करा दूंगा, एक बात। दूसरी बात, आपको यह नोट्स आपको पूरी तरह से प्रिपेयर वे में तैयार करना है। इस बात की मेरी गारंटी है, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ पूछे जाएंगे। और अभी तक इस नोट्स का रिकॉर्ड रहा है, जितने परीक्षा प्रश्न हुए हैं वो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। यहाँ तक कि 2018 का जो सीटेट हुआ उसमें से कुछ क्वेश्चन हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ पूछे गए हैं। ये थी पर्यावरण की पढ़ने की। इसको क्या करना है, आपको लगातार 1 से 2 बार पूरी नोट्स को कम्प्लीटली रूप से पढ़कर तैयार करना है। ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी। आप इसे कैसे पढ़ेंगे, आप 12 किताबें पढ़ने से बेहतर था ये मेरी नोट्स पढ़ लेंगे तो 12 किताबें आपको बराबर हो जाएंगी। जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए होंगे उन्हें इसकी पूरी वीडियो भी मिल गई होगी, उस वीडियो को पूरा देख लेंगे और इस नोट्स की पीडीएफ उनके पास अगर होगी तो पूरी तरह से वो तैयार कर सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट समझ में आ गया, इस नोट्स को कैसे पढ़ना है। पूरी नोट्स को एक बार आप तैयार कर लेना है, पूरी नोट्स को पूरा पढ़ लेना है एक बार, फिर वीडियो लेक्चर देख लेना, फिर दोबारा अगर आपने वीडियो देख लिए फिर उस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक बार जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स लिए थे उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया होगा, तो उन्हें इस नंबर पर जाके इस बात की जानकारी ले लेंगे। 6306344667 पर उन्होंने नोट्स मंगाए थे, उन्हें भी इसके लेक्चर नहीं मिले तो उनको भी इसके लेक्चर उपलब्ध हो जाएंगे, किसके, केवल पर्यावरण के भी। फिर आगे आते हैं, पर्यावरण के बाद आता है एनसीएफ 2005 का नंबर। एनसीएफ 2005 के हमारे पास 2 से 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपको ये दोनों पार्ट, एक में पूरा शिक्षण है और एक बालक के आसपास। इसमें हिंदी, पर्यावरण, गणित, बाल विकास, इन 4 सब्जेक्ट के पूरी शिक्षण और एक अध्यापक का बालक के प्रति क्या कर्तव्य होगा, एनसीएफ 2005 में क्या है उसका पूरा जिक्र किया गया। और जब से कि आपको ज्ञात होगा एनसीएफ 2005 से प्रत्येक बार सीटेट में 25 से 30 क्वेश्चन हर बार पूछे गए। हर खंड में, हर सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 सेक्शन होता है, 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। यह भी आपको तैयार करना है, इसकी वीडियोज आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि यह केवल आपको पढ़ना और समझना है कि एक अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है। इस बात को समझने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है, इसको आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। आपको ये अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको नोट्स मिलेगी, अगर आपने नोट्स मंगाया हो घर पर तो आपको स्पीड पोस्ट के बाद ही आपके घर पहुंच गई होगी यह दोनों नोट्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन क्लासेज में इस आपके पास होगी तो ये आपको पढ़ना भी होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज वीडियो के साथ साथ आपको ये नोट्स इसलिए दिया गया ताकि इस नोट्स को आप पूरी तरह से तैयार कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा, उन्होंने कहा होगा सर ये तो नोट्स के वीडियोज नहीं मिलेंगे, इसके वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे, यह नोट्स आपको खुद तैयार करने होंगे, इसलिए आपको ये उपलब्ध कराए गए हैं। फिर आगे आते हैं हम, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग गणित की बात करते हैं। देखिए यह गणित, गणित को मैंने क्या किया है, पिछले जितने भी ईयर के प्रश्न थे उनको सम्मिलित करने के बाद एक छोटा, क्योंकि गणित बहुत टफ नहीं आता सीटेट में, तो गणित जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें केवल क्वेश्चनों का संग्रह है, इसके उत्तर आपको नहीं दिए गए। इसकी वीडियो आपको 2 जून के बाद से कंटिन्यू मिलना प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए इसको भी आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा और इसको भी आप परख लीजिएगा। ये भी आपको लगातार नए सिरे से मिलना प्रारंभ होगा। और अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है तो भी इसकी अभी 3 तारीख से आपको लगा इसका सॉल्यूशन मिलेगा, प्रत्येक दिन एक लेसन का, और टोटल ज़्यादा लेसन नहीं है, शायद 15-20 लेसन है जितना भी सिलेबस में दिया है, वो उसकी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। और जिन्होंने क्यों नोट्स अपने घर पे मंगाया था वो भी इस नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल बता के वहाँ से भी वो इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सभी क्वेश्चन को पहले एक बार मैंने आपको ऑनलाइन क्लास वालों को मैंने पूरा पढ़ाया है, मैथमेटिक्स लगभग खत्म है, उसके बाद अब इस आधार पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं इसकी शिक्षण, इसकी शिक्षण हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, देखिए ये है
ये है NCERT की गणित शिक्षा फोरम, या अगर आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ये हमारे नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी। इसकी खासियत क्या है, अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं या जितनी भी परीक्षा हुई हैं उसमें गणित शिक्षण का जितना हिस्सा आता है, इसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन प्रत्येक बार हूबहू पूछा गया है। अगर आपके पास नोट्स गया होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, तो आप इस बात को अच्छे से भली भांति जान पाएंगे, क्योंकि ये जो नोट्स हमारे हैं मार्केट से किताब से सबसे अलग है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई किताब ही नहीं है जो हमारे नोट्स के बराबर है, नोट्स के हमारे इक्वल हो। और आप, क्योंकि आपको भी पता है सीटेट में जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसका एकदम तरीका अलग है, उसी पैटर्न पे, ये भी NCERT की ही पैटर्न है, केवल पूरी NCERT पैटर्न पे है ये, ठीक, ये पूरी तरह से है। और खासकर ये अपर प्राइमरी के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्राइमरी के लिए, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से प्राइमरी के लिए, यह गणित शिक्षण का एक पार्ट वन है, ठीक। अभी पार्ट टू भी इसका है, अभी हम दिखा पाते हैं आपको। दूसरा हिस्सा ये था गणित शिक्षण का, यह भी काफ़ी पिच का है, यह भी गणित शिक्षण का दो हिस्सा, माने गणित के 3 नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर का पैगोलॉजी है, तो ये हो गया गणित शिक्षण पूरा, और ये 15 नंबर क्वेश्चन आंसर है जो आपको सॉल्व करने हैं, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, कुछ प्रश्न को टाइप करने में गलती हो गई है, इसलिए उसके उत्तर आपको यहाँ से दिए जाएंगे, ठीक। ये समस्या आपकी समाप्त हो गई गणित की, गणित और पर्यावरण और NCERT 2005, इन तीनों को हमने पढ़ लिया, और इसको भी प्रश्न आपको सॉल्व करते रहना है, जैसे मेरी वीडियो जाएगी आपको अपना उत्तर मिला लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई समस्या कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर आगे आते हैं, अब आते हैं बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो 90 नंबर का 30 नंबर का में बाल विकास और शिक्षण, उसके बाद हर विषय का 15 नंबर का शिक्षण है, तो 15 25 75 और 15 90, मैं 90 नंबर अकेले जो किसी को क्वालिफाई करने के लिए एक निश्चित अंक है 60% अर्थात। तो इसको मैंने दो तरीके से बनाया है, एक तरीका तो है देखिए यह बाल विकास जो है एवं शिक्षा का सीटेट स्पेशल है, ये केवल प्रॉपर सीटेट की बेस पे बनाया गया है, लेकिन बाल विकास आप जानते हैं ये सीटेट यूपीटेट सुपरटेट DSSB KVS जितने भी अध्याय होते हैं उन सभी के माध्यम से आप इसे पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये भी कई किताबों से मिलकर बनाए गए हैं, इसमें कई लोगों का योगदान है, इसमें आपने सुना होगा दीपक सिंह राजपूत ललितपुर डायट के हैं, उनका भी काफ़ी योगदान है, उनके भी काफ़ी मैटर ऐसे थे जो हमें पसंद है, उसको भी हमने इसमें मिलाया है। बाकी अन्य सभी किताबों से अलग अलग जगह से मैटर कलेक्ट किया गया ताकि कम पेजेस में हम आपको ज़्यादा मैटर उपलब्ध कर सके, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या है, ये पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखना है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है हम कम में ज़्यादा कैसे दें। जो आप 20 किताबें बाल विकास पढ़ेंगे वो हम आपको एक छोटे से नोट्स में दे देंगे, फिर भी मुझे लगा कि यह नोट्स आपके लिए पूरी तरह किफायती हो या ना हो, इसलिए मैंने पुनः फिर बाल विकास के सेकंड नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध करा दिए। यह भी नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माने बाल विकास का हमने आपको 2 नोट्स पूरी तरह से उपलब्ध करा, ये पूरी तरह किताब की तरह लग रहा है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा और सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक। ये दोनों किताबें बाल विकास की होगी, इस प्रकार हमने 3 सब्जेक्टों को बता दिया, और सबसे बड़ी बात क्योंकि आपसे अंदर सीटेट में थोड़ा सा अलग पूछता है, इसलिए इसकी बारी सबसे लास्ट में लगेगा, इसे पूरे लास्ट में पड़ेगा। इस किताब को बनाते समय, इस नोट्स को बनाते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा गया ताकि आप पढ़ते समय रोचकता जारी रहे, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा उनको पूरी वीडियो जब भी, क्योंकि अभी उनको EVS की मिल रही थी, आप जल्दी उन सभी व्यक्तियों को इसकी वीडियो जो भी मैडम के हैं पुराने वीडियो मिला के नए वीडियो बाकी पूरे टॉपिक पूरी कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे ताकि आप सीटेट में कुछ बेहतर अंक अर्जित करें। फिर आगे आते हैं हम लोग हिंदी शिक्षण की बात कर देंगे, हिंदी शिक्षण क्योंकि 15 नंबर में पैगोलॉजी 15 नंबर हिंदी शिक्षण आएगी, और 15 नंबर का जो आता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए उनको 3 तारीख के बाद से इसकी वीडियोज मिलेगी, गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, कुछ उनको इसके नोट्स अलग से PDF में मिलेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स परचेज कर लें, जिनके पास नोट्स जा चुके हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, अपनी डिटेल बताएंगे, और साथ ही साथ ये पूछेंगे कि सर हमें आपके नोट्स लिए थे, हमें उसकी वीडियोज नहीं मिल पाई किसकी, गद्यांश और पद्यांश की, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, या हमारा हिंदी शिक्षण, और हिंदी शिक्षण का एक पार्ट और आपको मिल जाएगा, जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स लिया था वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उनको वो भी इस नंबर पर संपर्क करके रखेंगे, उनको भी ये नोट्स जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी, और हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण दोनों के नोट्स उन्हें जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। एक पार्ट ये एक पार्ट और बनकर तैयार हो रहा है जो अभी समय टाइपिंग पे लगा हुआ है, जैसे टाइपिंग हो पाता है आप तक वो हम पहुँचा देंगे। फिर आगे आते हैं, तो इस प्रकार अभी आपका संस्कृत बचा, इंग्लिश बचा है, वो इस समय मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, है नीचे इसलिए दूर है, लेकिन जल्दबाजी में हमने उसकी जगह दूसरे नोट उठा लाए, मतलब जो ऑलरेडी मैंने बता दिए। तो इस प्रकार मेरे पास सारी नोट्स का कलेक्शन है, अब
सबसे बड़ा प्रश्न था ये मैंने बता दिया। इन सभी नोट्स को एक बार आपको पढ़कर तैयार करना, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था तो इसकी पीडीएफ पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिए पूरे नोट्स की। उसके बाद जिन्होंने नोट्स परचेज किया था वो भी नोट्स को पूरी तरह से एक बार पढ़ लें। जिनकी वीडियो जरूरत होगी जैसे हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण, आपकी नोट्स मिल जाएगी, उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ उसके गद्यांश और पद्यांश मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी आपको पूरे पूरे जल्द ही मिल जाएंगे। उसके लिए आपका अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया जिन्होंने, क्योंकि मामला ही होता है सबको उपलब्ध हो जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने पे किया, उन्होंने कहेंगे सर हमें तो फ्री में मिलना चाहिए था, क्योंकि पता इतने लोग मिलकर यहाँ पे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। और सबसे बड़ा तो आप खुद समझदार, आप खुद चाहेंगे कि फ्री का ज्ञान नहीं ज़्यादा दिन टिक पाता, इस मामले में हम उससे ज़्यादा बेहतर समझदार भी होंगे, क्योंकि हर इंसान मेहनत किस लिए करा ताकि आप तक पहुंचा सके। अब प्रश्न उठता है कि नोट्स कहाँ से मिलेगा। नोट्स सबसे पहले आप 6306344367 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके यहाँ से नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको नोट्स डिस्पैच से लेकर हर एक तक की पूरी जानकारी देगी। जो नोट्स है वो आपको घर तक पहुंचेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा हॉट कॉपी ही मिल पाएगी, और जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की उनको पीडीएफ मिल पाएगी। दोनों के रास्ते अलग अलग है। फिर प्रश्न उठता है अगर आपको केवल एक नोट्स लेना हो तो आप हमें अन अकेडमी पे दुर्गेश कुमार जायसवाल नाम से सर्च कर सकते हैं, या तो वहाँ पे आप जब भी पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे 1000 रुपये मंथली फीस है, लेकिन जब हमारा रेफरल कोड ई लर्निंग विथ दुर्गेश बिना इस फीस का देंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट होगा, एक फायदा आपको कि आप मेरे नोट के साथ साथ अन्य सभी के नोट्स ले पाएंगे। जब तक आप लर्निंग विद दुर्गेश नहीं डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 1000 कोर्स आपको 900 रुपये मिल जाएगा। एक महीने की वहाँ पर क्रैश कोर्स चल रही है मेरे द्वारा तैयार की गई, एसटी वहाँ पर मिल जाएगी और डाउट क्लियरिंग क्लास, हर चीज़ आपको मिल जाएगी मात्र 900 रुपये में, माने 10% ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ 10% डिस्काउंट होगा अकेडमी पे, साथ ही साथ मेरे साथ साथ सभी एजुकेटरों को वीडियो आपको मिल पाएगी। वहां पे जितने भी एजुकेटर हैं सबके देख पाएंगे, सबके नोट्स ले पाएंगे, मेरे भी नोट्स ले पाएंगे, कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है अनअकैडमी से लेना, यहां पे आप जाके ई-लर्निंग विद दुर्गेश रेफरल कोड यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट तभी आपको मिल पाएगा, और जब ये डिस्काउंट मिलेगा तभी आपको मेरे नोट्स और मेरे साथ साथ अन्य सभी के नोट्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे रेफरल कोड पर ही आपको ये उपलब्ध हो पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप स्पीड पर घर तक बनाना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे मेरे मैथमेटिक्स के और ईबीएस के मिलेंगे बस, और बाकी दूसरे लोग के मिल जाएंगे, और वो लोग कैसे बने मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे नोट्स कैसे हैं आपने देखा, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, क्योंकि जो मेरे नोट्स लिए हैं जो 15 बैच के हैं, जो मुझसे ऑलरेडी परिचित हैं, जो उन्होंने इससे पहले मेरे नोट्स लिए, जो मेरी क्लास लिए हैं, उनको ये पता है मेरे नोट्स की पावर क्या है, पावर का मतलब उसमें कितनी मेहनत लगी है। या तो घर तक मंगाना चाहते हैं 6306344367 पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ से भी आपको व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा और घर तक डिस्पैच हो जाएगी नोट्स, और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं आप जरा भी ना घबराइए, ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी, साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको हर हाल में क्वालिफाई कराना, क्योंकि जो भी मेरे नोट्स हैं, क्योंकि मार्केट में सीटेट की कोई भी किताब प्रॉपर वे में उपलब्ध ही नहीं है, प्रॉपर वे में कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, अब आपको प्रैक्टिस सर चाहिए, प्रैक्टिस सर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना किसी स्पेस दिए, दुर्गेश सर, जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश सर को से ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज पे ई लर्निंग विद दुर्गेश फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और ऑनलाइन क्लास से भी आप अभी भी जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्सेज चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ रिजल्ट रहा है अभी तक सबसे बेहतर रहा है, जैसा कि अगर आप हमें जानते होंगे तो इस बात से पूरी तरह से परिचित होंगे। मार्केट में जितनी भी किताबें हैं सीटेट्स उनका कोई बात सा नहीं है, जितने भी कोचिंग संस्थान पढ़ा रहे हैं आपको भी पता होगा पूरी तरह से यूपीटेट पढ़ा रहे हैं, मतलब ना यूपीटेट पढ़ा रहे हैं सीटेट पढ़ा रहे हैं, बीच का रास्ता वो अपनाकर आपके लिए चल रहे हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट होने के लिए सीटेट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप सीटेट लेते हैं इसके बाद यूपीटेट की भी नोट्स और बैचेज हमारे यहाँ प्रारंभ होंगी, लेकिन सबसे पहले इस सीटेट का पूरा ब्यौरा था जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अब एक एक उठा के हम आपको दीजिए। अच्छा, कुछ सारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको चाहिए फ्री के नोट्स, तो उनको बता दें मेरे टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स ऐसे हैं जो आपको पब्लिक के रूप से फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए आप बाजार से किताब खरीदते हैं तो वहाँ पे आप पे करते हैं, अगर हमारे नोट्स लेते हैं तो ये उम्मीद करना आपके लिए शायद ऐसा नहीं है। आप 1200 रुपये का फॉर्म भरते हैं, सात और दोनों फॉर्म भरा होगा अपर प्राइमरी प्राइमरी का, तो 1200 रुपये का फॉर्म भरें, वहाँ पे आपने ये नहीं कहा यहाँ पे मेहनत लगता है, टाइप होता है, प्रिंट आउट निकलता तब आप तक पहुँचता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ मिल गया तुरंत हमें नोट्स का आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नोट्स फ्री का होना चाहिए तो मेरी जगह अपने आप को रख के देखिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि वास्तव में नोट्स का पे होना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि फ्री के ज्ञान का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, लोग उसकी कदर नहीं करते, ऐसा आपको भी पता होगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, सबके समान नहीं होती, लेकिन अगर हम इस समय अपने आप में कुछ मेहनत करके कुछ एडजस्ट करके अगर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे आगे भविष्य में क्या होगा वो आप बेहतर हमसे जान सकते हैं। इसलिए हम अन्य कारणों के लिए अगर भी पैसा होता तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे छोटे मोटे कोई बड़े काम
होते हैं तो वहाँ हमारे लिए पार्टी करने के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन कभी जब बेहतर काम करना होता है, जब हमारे भविष्य जहाँ जुड़ी होती है, वहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा हम इकोनॉमिक्स लगाते हैं, सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो आपके नहीं है, मैं भी होता तो शायद मैं भी ये करता। लेकिन हाँ, यदि जो इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में मेरे नोट्स उनके लिए बेहतर है, या जो अनअकैडमी पे मुझे एक नोट चाहिए, जिनको दो नोट चाहिए, अनअकैडमी पे जाएंगे, ई लर्निंग बुद्ध दुर्गा रेफरल कोड यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा उसके बाद, और आपको जो समझ में आओ आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात फिर कहूँगा कि आपको पता होगा नोट्स ऑनलाइन देने का जो प्रोसेस है, शायद शुरुआत 2017 से के बाद से मैंने शुरू किया था, अब धीरे धीरे कई लोगों ने नोट्स देना प्रारंभ कर दिया है, और ये बड़ी बड़ी बात है कि कम से कम लोगों ने फॉलो किया, पहल किया। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे नोट्स की जो किफ़ायती हैं, जो चीज़ें हैं, वो अन्य के पास अभी तक नहीं है, क्योंकि आपको पता UPTT में मेरे नोट्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू पूछे गए थे। आपको ये भी पता होगा सुपर टेट में जो मेरे करंट के थे, सारे क्वेश्चन पड़े हैं। अगर आपको ये बात विश्वास नहीं होगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं दो दिन पहले लाइव आया था, जितने 2 घंटे में मैंने करंट कराया था वो सभी सुपर टेट में पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे नोट्स इन सभी कारणों से सबसे बेहतर है। करंट अफेयर का मामला लीजिए, चाहे मैडम के बाल विकास का ले लीजिएगा, जिन्होंने शिक्षण पढ़ा था 30 नंबर का, कुछ क्वेश्चन हूबहू पूछे गए थे, साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको ये बात बेहतर तरीके से पता होगा, ज्योति मैम को। इसलिए ये नोट्स सभी टीचरों के देखरेख में बनाया गया, और जिनमें प्रयास किया गया कि हाँ कुछ त्रुटियाँ होंगी मात्रात्मक त्रुटियों के टाइप करने के लिए, कि मिलाने का समय नहीं मिल पा रहे, इतने ज़्यादा नोट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रोज़ रोज़ नए नए मैटर कलेक्ट हो रहे हैं कि थोड़ा सा त्रुटियाँ, लेकिन हाँ और उन्हें हम आपको सुधार करके आप तक पहुँचा देंगे। बस इस वीडियो लिंक को आप सभी तक शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें तक अभी नहीं पहुँचा है। मेरा उद्देश्य था कि जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया उन तक ही पहुँचे, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उन तक पहुँचे, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी, जैसे कि मैं नहीं जानता, लेकिन अब आपकी तैयारी चंद दिनों की बची है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, तो हो सकता है ये मेरे नोट्स आपको आपके नई अपार लगा दे। इसलिए आप प्रयास करिएगा कि नोट्स आप तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचेंगे तो 6306344367 पे, या इस रेफरल कोड से अगर कोई अन्य स्थिति आ जाती तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9506701777 इस नंबर पर भी आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। पुनः एक बार, आपने बहुत सारी वीडियो को शेयर किया होगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसलिए यह वीडियो किसी भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अन्य सभी साथियों तक पहुँचा दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले वीडियो आने के बाद तैयार होते हैं ऑनलाइन करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, कम से कम वीडियोज़ को देखते तो हैं, बेशक अनलाइक करते हैं, तो आप भी लाइक अनलाइक करिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हो सकता है आपको इस मेरे नोट्स का, आप मेरे वीडियोज का आपको कोई काम ना हो, हो सकता है किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। इसी के लिए आप सभी को परीक्षा की पूर्व मेरी तरफ से आगामी ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।